नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देशित। देश में इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन बाबा अभी भी मुहर्रम की फाइल निपटाने में लगे हुए हैं। सुना है मुहर्रम के जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया से होते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया। उस वीडियो में क्या हो रहा था आप जानते हैं। सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे और बड़ी बात यह थी कि नारे यूपी के ही कानपुर में लगाए जा रहे थे। इस वीडियो के सामने आते ही योगी ने ऑपरेशन 50 लॉन्च कर दिया है। पुलिस मैदान में उतर चुकी है और जी न्यूज की टीम भी उस ठिकाने पर पहुंच चुकी है जहां भीड़ मंदिर के सामने चिल्ला रही थी कि गुस्ताख है रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। मंदिर के सामने सरतन से जुदा के नारे लगाने वाली भीड़ अब बाबा के रडार पर। मुहर्रम के दिन ताजिया जुलूस के दौरान मां शीतला माता मंदिर के सामने जिसने कहा सरतन से जुदा, उन सब का नाम योगी की पुलिस ने अपनी एक्शन लिस्ट में जोड़ लिया। ऐसे कुल 50 नाम है और सब के सब भाईजान। हम इस वक्त रावतपुर इलाके में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये वही मंदिर है जहां का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। जब मुहर्रम का जुलूस यहां से गुजरा तब तमाम लोग जो है इस तरह के नारे लगाते हुए नजर आए। कानपुर के रावतपुर इलाके का ये वही मंदिर जहां ताजिया जुलूस के दौरान भीड़ रुक कर भड़काऊ नारे लगा रही। इन दोनों तस्वीरों को आप एक साथ देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुहर्रम की रात वाली और दूसरी तस्वीर आज जो जी मीडिया की टीम ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड। कानपुर के रावतपुर इलाके में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो घर है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उन्हीं कैमरों के जो फुटेज हैं उनके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहां पर अगर हम बात करें तो जुलूस के दौरान जो धार्मिक नारे हैं उनको लगाने का आरोप लगा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन जो ताजिया उस वक्त आती है उसके दौरान मुहर्रम के दौरान जो जुलूस निकल रहा होता है उस वक्त इसी रास्तों से लोग जो है वो आते हैं और उसके बाद यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे एरिया के जो तमाम कैमरेज हैं उनको जो है खंगाला जा रहा है। पुलिस के पास सारे सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। अब तक 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। उनमें से एक नाम शाह आलम का भी बताया जा रहा है जो हमें मंदिर के पास ही मिल गए। साथ में उसकी माँ सलमा भी थी। बात हुई तो पता चला कि माँ कह रही है उसका बेटा उस दिन जुलूस में था ही नहीं और बेटा कह रहा है वो जुलूस में तो था लेकिन नारेबाजी नहीं। मेरा लड़का यहाँ था भी नहीं उस टाइम जब जुलूस आया है। उसकी कहीं पे फोटो या कहीं पे आवाज आप दिखाइए तो हम उस चीज को माने। यहाँ तक कि कैमरे तक में नहीं आया है। पुलिस ने खुद इंक्वायरी करी, खुद वीडियो देखी है पुलिस वालों ने। जुलूस में हम लोग साथ ही पुलिस के साथ ही थे। यहाँ साइलेंट दरोगा चौकी इंचार्ज है। यहाँ कोई ऐसे विवादी नारे ही नहीं लगे। अब कुछ लड़के ने अगर लगा भी दिए हैं तो यजीद के ऊपर लगाया। हम लोग किसी के धार्मिक नहीं चोट पहुँचाना चाहिए। अब हम उस ताजियादार के घर पहुँचे जो मुहर्रम के दिन ताजिया लेकर गया। बातचीत के दौरान ताजियादार का परिवार जो ताजिया पर तो बोल रहा था लेकिन विवादित वीडियो पर कुछ भी बोलने से बच रहा था। कितने साल से आप ताजिया जो है यहाँ लेके जाते हैं? कितने साल यहाँ? तो बाप दादा जमाने से चले आ रहे हैं। दादा पर दादा 100 साल के ऊपर हो गया। ये हमारे दादा का ताजिया 100 साल तो हो ही गए, ये आप मान के चलिए। वहीं दूसरी ओर ताजियाकार का परिवार सरतन से जुदा के नारे की पैरवी कर रहा था। ताकि हुसैन की एक ही सजा था, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये पूरा नारा। तो नारे का मतलब ये है कि जिसने हुसैन के खिलाफ गुस्ताखी की है उसका सरतन से जुदा, तो उसका सरतन से जुदा यजीदों का। तो अब आप उसको किसी दूसरे एंगल पे ले जाए तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये मुहर्रम के दौरान जो है जुलूस के दौरान लगते हैं क्या ये नारे? क्यों नहीं लगते हैं? बिल्कुल, हमारा ये तो यजीद के ऊपर है नारा, तो नारा ही है ना। अब जो नारा हम लोगों के उसमें वही तो हम लगाएंगे। अब उसको आप कोई दूसरे एंगल में ले जाए तो इसके तो हम हाँ, में हाँ, हमारी पड़ताल के दौरान रास्ते में कुछ ऐसे युवा भी मिले जिन्होंने बताया कि पास के ही रोशनगंज और चमनगंज जैसे इलाकों से कुछ कट्टरपंथी यहां आकर पूरे क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सुनने में आया नारे लगे थे वो वाले, क्या बोलते हैं, सतन से दूसरा सतन। अच्छा, ये लगे थे नारे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं?
कभी नहीं। कितने लोग यहाँ पर जुलूस में दिखाई देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग चुके स्थानीय? 2-3 हजार लोग दिखाई देते हैं जुलूस में। अच्छा, 2-3 हजार लोग आ जाते हैं और यहाँ से पूरा जो है वहाँ तक जाते हैं पूरा? हाँ, और ये विवाद जहाँ से होता है ये रोशन नगर होता है, चमनगंज से लोग आके करते हैं। अच्छा, यहाँ से नहीं होता विवाद? मतलब ये रोशनगंज और चमनगंज के लोग यहाँ आते हैं? आते हैं। अच्छा, और पुलिस चौकी के पास कुछ लोग रहते हैं विवादित लोग, वो लोग कर जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, इस तरह के नारे आके लगा देते? हाँ, यहाँ के लोग नहीं करते। और इनके जैसे जो ये खड़ा है मक्खी, ये उस दिन रात में इनकी वजह से यहाँ झगड़ा भया, ये रहते कहीं और हैं और यहाँ आके मंदिर सामने मतलब अपने भाई उस दिन लोग का जुलूस था तो पब्लिक इनकी ज़्यादा थी, तो उस वजह से ये आके यहाँ क्या कह रहे हैं, मेरा जुलूस रोका जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर झगड़ा हुआ। और वहाँ पर विष्णु ज्ञान पे जो भाई ने बताया कि नारे लग रहे थे, वो नारे लग रहे थे वहाँ पे, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। रावतपुर में जिस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकलता है उस पूरे रूट पर 5 मंदिर। इलाके के लोग कहते हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ताजिया में विवाद हुआ हो और भड़काऊ नारे लगे हों, लेकिन उस रात ताजिया जुलूस में मंदिर के सामने सरतन से जुदा के नारे लगे थे, वो भी 20 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी। कानपुर से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुलाकातों का दौर चल रहा है, या कहिए कि मुलाकातों के जरिए शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ किसी से मिलते हैं तो तस्वीरें आ जाती हैं, कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किसी से मिलते हैं तो फोटो रिलीज कर देते हैं। केशव और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की मुलाकात वाली तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी, लेकिन आज योगी ने मुलाकातों की बड़ी पिक्चर रिलीज की है। यही है वो पिक्चर जिसमें योगी ने बरेली मंडल के 20 से ज्यादा विधायकों के साथ मुलाकात की। जी हां, एक एक करके सबसे बात भी की। ये मुलाकात सीएम दफ्तर में हुई। इस दौरान कई विधायक अपने साथ समस्याओं की सूची लेकर पहुंचे थे। क्या योगी का ये शक्ति प्रदर्शन था? देखिए, दूसरी तरफ योगी और सुस्त और लापरवाह अफसरों पर भी सख्ती दिखा रहे हैं। योगी ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर अधिकारियों से जवाब मांगा है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यूपी में 12 से ज्यादा पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 जिलों के डीएम को नोटिस दिया गया है। बाढ़ जैसी आपदा में यूपी के लाखों लोग प्रभावित हैं, इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है। योगी ने अफसरों को चेताया है कि मुआवजा देने में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, कुछ नेता मंत्री को सुर्खियां बटोरने की लत लग जाती है और वो इस लत में कुछ भी कह देते हैं। योगी के ऐसे ही एक मंत्री ने मुसलमानों को कह दिया कि वो भोलेनाथ की पूजा करें, जल चढ़ाएं। योगी के इस मंत्री का नाम है ओपी राजभर, जो बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय यूपी के पंचायती राज मंत्री हैं। आज आप मंत्री जी को अपने ही बयान पर मैदान छोड़कर भागते हुए भी देखने वाले हैं। देखिए, अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकले जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान सब एक ही हैं। कांवड़ यात्रा के बीच भाईजान को भोलेनाथ की पूजा करने की सलाह देकर ओपी राजभर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल इनकी पहचान योगी सरकार में एक ऐसे मंत्री की है जो बड़बोले हैं, कहीं भी किसी पर भी और कुछ भी बोल सकते हैं। उनका ये बयान भी उसी श्रेणी में आता है। अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकले जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान सब एक ही हैं। मुस्लिम समुदाय राजभर की सलाह पर हमलावर है, इस्लाम मूर्ति पूजा को कबूल नहीं करता, तो फिर राजभर मुस्लिम समुदाय को शिव की पूजा करने के लिए क्यों कह रहे थे? यही सवाल तो भाईजान भी पूछ रहे हैं। मंत्री जी ने जो बात कही है कि मुसलमान जल चढ़ाएं, तो ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज है। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे जो जिस धर्म में है वो उस धर्म में रहे। ये क्या है कि वो यहाँ आकर के पूजा कर ले, हम कहते यहाँ के नमाज आकर के पढ़ ले, तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के धर्म की पहले सही से जानकारी लेनी चाहिए,
उसके बाद में कोई बात करनी चाहिए। ओपी राजभर से जब उनके बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया। हाँ हाँ, माइक कैमरा छोड़कर भाग गए। गलत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बस इतना मैं जानता हूं। विपरीत थे पिछले दिन आप कह रहे थे ये कानून की सरकार नहीं है, आज आप मंत्री हैं तो आप कह रहे हैं कानून की सरकार है। मैं तो आपसे कह रहा हूं माननीय राजभर जी सवाल तो सुन लीजिए। राजभर जी जाइए मत, माननीय राजभर जी जवाब दीजिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी राजभर के बहाने योगी सरकार और बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी नफरत का ऐसा कुआं है कि उसमें जो भी जाता है वो नफरत की भाषा बोलने लगता है और जहर समाज में बांटने का काम करता है। गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़े स्तर पर मिसाल इस देश में मिलता है जो शायद दुनिया के किसी देश में होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस बात को समझना चाहिए और इस पर और अध्ययन करना चाहिए। ऐसे बयान जिसे किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ये देशहित में नहीं है। फिर चाहे वो बयान नेता दें, मंत्री दें या हम आप कोई भी हों। लखनऊ से नीतीश पांडे और बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन अब ताजमहल में शिव मंदिर के होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने जलाभिषेक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इनका दावा है कि यहां कभी किसी मुमताज को दफनाया ही नहीं गया था, बल्कि यहां सदियों से शिव मंदिर था। आक्रांताओं ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, यानी कि अब मामला अदालती लड़ाई की ओर बढ़ गया है। आगरा का ताजमहल क्या तेजो महालय है? अब ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सावन के महीने में शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही मांग को लेकर सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यहाँ तेजो महालय है, यानी यहाँ शिव का मंदिर है। सावन के महीने में ताजमहल जो कि तेजो महल था, भगवान शिव की आस्था का केंद्र है, भगवान शिव की उसमें शिवलिंग है। याचिकाकर्ता की मांग है कि उन्हें यहाँ पूजा अर्चना करने से न रोका जाए। हमारी बात को हमारी याचिका प्रामा फेसाई एडमिट करी और विपक्षी विभाग जो है पुरातत्व विभाग, उसके लिए उन्होंने सम्मन और नोटिस जारी करके उन्हें न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। वैसे याचिकाकर्ता का दावा ये भी है कि यहाँ 12वीं सदी में यमुना नदी के किनारे मंदिर बनाया गया था। सन 1212 में राजा परमादिदेव ने यहाँ शिवलिंग का निर्माण किया था, भगवान शिव का मंदिर बनाया था यमुना नदी के किनारे, और हमारे जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बनाए जाते हैं। दावा ये भी है कि मुगल काल में शाहजहां ने राजा मानसिंह से ताजमहल तेजो महालय को हड़प लिया। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर का कहना था कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कोई कब्र नहीं है। ये एक सफेद झूठ है, क्योंकि मुमताज की मौत 1631 में हो गई थी, जबकि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। तो किसी भी मृत शव को एक साल बाद नहीं दफनाया जाता, जबकि असल में मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया, जहाँ आज भी उसकी कब्र के साक्ष्य होने का दावा किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक 4 मार्च 2024 को याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा धारा 80 CPC की छूट न देते हुए खारिज किया गया था, लेकिन अब नए सिरे से एक बार फिर कानूनी जंग शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। आगरा से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण करने का आरोप लग रहा है। मुहर्रम पर ताजिए की ऊंचाई पर खामोश रहने वाली ममता दीदी को दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहे बड़े बड़े पंडाल और दुर्गा की प्रतिमा अच्छे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गड़बड़ हुई तो आयोजक इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन ठीक इसके उलट उन्होंने ताजिया निकालने वालों के लिए स्पेशल कॉरिडोर तक बनवा दिया था। ममता के इस नए फरमान से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले बेहद नाखुश हैं।
एक तरफ भव्य दुर्गा पंडाल है जो पश्चिम बंगाल की पूरी दुनिया में पहचान बनाता है, तो दूसरी तरफ हाल ही में ऊंचे ऊंचे ये ताजिए थे जो मुहर्रम के दिनों में देखे जा सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति ऐसी है कि दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहे पंडालों को देखकर वो तनाव में आ गई है। कैसे, अब वो जाने। दरअसल मुस्लिम कार्ड खेलने वाली ममता बनर्जी दुर्गा पूजा समितियों से मिली और आयोजकों से सवाल कर डाला कि बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाकर या चमकीली लाइट लगाकर क्या होगा। तर्क उनका यह है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कारण आमी देखेछि कागजे एकटा संवादे केउ नाकि 112 फुटेर एकटा दुर्गा पूजा करछे। केन इमाजिन एते आपनार स्ट्याम्पिड हये जाबे, एकबारो भेबेछेन? स्ट्याम्पिड जाते ना हय क्लाबगुलोके एटार जन्य दायित्व निते हबे। लेकिन ममता दीदी के बयान में हाल ही में मुहर्रम के जुलूस के लिए विशेष मुहर्रम कॉरिडोर तक बनवा दिया गया था। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि पवित्र मुहर्रम अन्याय से समझौता ना करने की सीख देता है, आइए हम सब शांति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े। जाहिर है ताजिए की ऊंचाई के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, जैसी चिंता यूपी में योगी सरकार दिखाती है और ताजिए की ऊंचाई ज्यादा नहीं होने के आदेश जारी करती है ताकि कोई हादसा ना हो। यही नहीं, ममता बंगाल की पुलिस को निर्देश देती हैं कि मुहर्रम पर कोई गड़बड़ ना हो इसका ध्यान रखें। मुहर्रम में जन कोनो दुर्घटना ना घटे नजर रखें। আমি কি ইতিমধ্যে পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে দাশে ব্যারিকেড করে দেবেন। कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा शुरू होनी है, लेकिन नदिया जिले के कमालपुर गांव के अभियान संघ के 55 साल से चली आ रही पूजा के संगठनों के ऊपर संकट छा गया है, क्योंकि यहां बंगाल की पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि मां दुर्गा की कोई प्रतिमा ऊंची ना हो। जाहिर है इससे 55 साल से चली आ रही दुर्गा पूजा क्या बंद हो सकती है? जाहिर है इससे आयोजकों में चिंता है। प्रशासन का जो निर्देश है वो थोड़ा सा कहरी होगा, वो कहरी के बाद निश्चय हम लोगों का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये आशा करती हूँ हम लोग। ये जो पूरा इलाका है करीब 42 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा जगह है, यहाँ पर इस पूरे इलाके में ये पंडाल बन रहा है। गांव वाले भी थोड़ा चिंतित है क्योंकि ये जो पूजा होती है इनका दावा है कि ये कोई स्पॉन्सरशिप या एडवर्टीजमेंट की पैसे से नहीं होता है, गांव वाले खुद अपने पॉकेट से जो चंदा देते हैं उसी पैसे से ये दुर्गा पूजा होती है। आपको याद दिला दें कि ममता पहले भी एक तरफा फरमान जारी करती रही हैं, वो पहले भी मुहर्रम के जुलूस के लिए विसर्जन को पहले ही कर देने के आदेश जारी करती आई हैं। 1 अक्टूबर एवं ताशत्तो दशमी दिनों किंतु हमरा अप टू 6 o'clock। ममता बनर्जी ने साल 2017 में कहा था कि मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन ना किया जाए, जबकि साल 2023 में हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा हुई, लेकिन इस दौरान पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। सवाल है तब पुलिस कहाँ थी? साफ है आने वाले दिनों में इसको लेकर राजनीति भी चरम पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। करीब हफ्ते भर से बांग्लादेश अशांत है, यहां प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सेना तक को मोर्चा संभालना पड़ा है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को 2 दिन की मोहलत दी है। इस बीच ममता बनर्जी के एक बयान से बांग्लादेश नाराज भी है। शेख हसीना ने साफ कर दिया है कि वो केवल भारत सरकार से बात करेंगी, न कि ममता से। सवाल है कि बांग्लादेश के हालात कब बदलेंगे, क्योंकि वहां के हालात बेहद तनावपूर्ण है। यह हालात बांग्लादेश के पिछले दिनों से बने हुए हैं, लेकिन इस बीच छात्र संगठन ने 2 और दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया, साथ ही सरकार से कर्फ्यू वापस लेने की भी मांग की है। लेकिन शेख हसीना की सरकार किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। पिछले एक हफ्ते से ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश की सड़कों पर देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश को पलटते हुए आरक्षण की लिमिट भी घटा दी थी, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे। हिंसा काबू करने के लिए खुद आर्मी को आना पड़ा है। इधर भारत में भी भारतीय सीमा पर घुसपैठ की खबरें आने के बाद से बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने इसे ऑपरेशन अलर्ट का नाम दिया है, जबकि हिंसाग्रस्त बांग्लादेश को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर मालदा के महितपुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूमि बंदरगाह केंद्र बंद कर दिया गया है। यहां एक अधिकारी ने बताया कि करीब 5 छात्र हर रोज यहां से आ रहे हैं, अब तक 800 से ज्यादा भारत लौट भी चुके हैं। हिसाब अनुजाई प्राय 800 থেকে বেশি স্টুডেন্ট এখান থেকে চলে এসেছে।
তো মেজরিটি স্টুডেন্টই আসছে, আদার ইয়ের লোকজন কম আসছে। আর এখানে স্টুডেন্ট আছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, এমনকি কাশ্মীর পর্যন্ত থেকে অনেক স্টুডেন্ট এখানে। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को एतराज है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ हमारे बहुत अच्छे और मधुर संबंध हैं, लेकिन इस बयान से भ्रम पैदा होने की गुंजाइश है। हमने इस मुद्दे पर भारत सरकार को एक नोट दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वो पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी, उन्हें शरण देंगी। किंतु मैं एटुकु बोलते पारी असहाय मानुष यदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे आमरा तादेर आश्रय निश्चय देव। तार कारण एटा ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। বাংলাদেশ কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে সামনে ইস ওয়াক্ত সবসে বড়ি চুনৌতি হ্যায় কি কেসে ইয়া কট্টর পন্থিও কো দেশ কে যুবাওঁ কো ভড়কানে সে বচানা হ্যায়, সাথ হি কানুন কো হাত মে লেনে ওয়ালো পর সখত কারওয়াই করনা হ্যায়। দূসরি ওর আইএসআই কে খেল সে ভি শেখ হাসিনা কো পার পানা হ্যায়। पाकिस्तान और चीन मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते आए हैं, जबकि भारत की बांग्लादेश से दोस्ती पर उसे उतना ही भरोसा है जितना भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाते वक्त बनाया था। इस बीच भारत ने चीन को मात देते हुए बांग्लादेश के अहम बंदरगाह मोंगला पर संचालन का अधिकार भी हासिल कर लिया है। इससे बांग्लादेश भारत की दोस्ती और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में अब अगली खबर का रुख करते हैं। बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह चल रहा है। आप जानते हैं केंद्र सरकार बजट को देश के लिए अच्छा बता रही है, जबकि विपक्ष विरोध कर रहा है। आज संसद के बाहर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा भी हुआ। राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट किया। दिल्ली के बाद बिहार में 60,000 करोड़ रुपए की घोषणाओं को भी विपक्षी दल धोखा बता रहे हैं। बजट पर पूरी फाइट आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। दो के थाली में पकोड़ा और जलेबी। दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है। उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। प्लीज टेक योर सीट। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने बजट का नॉनस्टॉप विरोध किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ विपक्षी सांसदों ने तख्तियां पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। हमको तो कुछ नहीं मिला। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर संसद में सबकी हंसी छू। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर है। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने खड़गे को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर विपक्षी सांसद हंसी रोक नहीं पाए। खुद निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मुस्कुराने लगे। तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर है। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर है। तो इसीलिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब फाइनेंस मिनिस्टर ने देने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। हालांकि प्रश्नकाल में चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट किया और वो नारेबाजी करते हुए संसद से बाहर चले। Much before I respond, I would like to make a lot of noise and go away in the true spirit of democracy. संसद के बाहर विपक्ष ने अपने स्टाइल में सरकार को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने बजट के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इसे कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। कुर्सी टिकाओ बजट है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बने अपनी सत्ता, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए बड़ी रकम
सरकार के तिजोरी से दे रहे, मैं उसे बजट नहीं मानता हूँ। बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई, पर विपक्षी नेता इसे छलावा बताने में जुटे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की डिमांड के साथ आरजेडी नेताओं ने थाल बजाकर सीएम नीतीश कुमार का विरोध किया। बिहार को मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो मुख्य जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुछ तो किया नहीं बिहार के लिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जो बिहार और बिहारियों का उन्होंने इस बजट में ख्याल रखा। दिल्ली से बिहार तक विपक्ष ने बजट में भेदभाव का मुद्दा उठाया, हालांकि सरकार को ये विरोध सियासी लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि बजट को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने के बाद कांग्रेस ने अगला कदम भी उठा लिया है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात करके एमएसपी का मुद्दा उठा दिया। आज राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। इसके दौरान राहुल ने एमएसपी की लीगल गारंटी के मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का वादा भी किया। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। चलिए अगली खबर का रुख किए लेते हैं। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे सिर्फ 2,000 रुपए का जुर्माना भर नहीं पा रहे हैं। अकेले उद्धव ठाकरे ही नहीं, उनके करीबी नेता संजय राउत भी इस मामले में फंसे हुए हैं। असल में मुंबई की एक कोर्ट ने दोनों नेताओं को 2,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था, पर ये दोनों नेता समय रहते जुर्माना नहीं भर पाए और लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतना सा जुर्माना उद्धव अदा नहीं कर पाए। क्या उद्धव ठाकरे का बजट बिगड़ गया है? उद्धव ठाकरे ने कोर्ट से 2 दिन का समय और मांगा ताकि वो 2,000 रुपए की जुर्माना राशि को भर सके। उद्धव की तरफ से 2,000 देने में देरी का पूरा मामला समझिए। पूरा मामला 2023 का है, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक आर्टिकल से जुड़ा है। आर्टिकल में दावा किया गया था कि तत्कालीन सांसद राहुल शेवाले का दुबई और पाकिस्तान के कराची की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से इस बात के सबूत मांगते हुए इन दोनों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई मझगांव कोर्ट में चल रही है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के वकील का दावा है कि उन्हें 14 जून को जुर्माने का आदेश मिला, हालांकि अदालत का कैश काउंटर बंद होने की वजह से वो जुर्माना नहीं दे सके। इसके बाद 10 दिन बीतने तक भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका। 13 जून को ऑर्डर होने के बाद एक हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया और 10 के 10 दिन में इन्होंने कॉश 2,000 रुपया नहीं भरी। मात्र 2,000 रुपए कोर्ट में भरने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को कोर्ट की अवमानना बताया, जबकि शिवसेना उद्धव गुट इस केस में अपने चीफ का बचाव कर रहा है। संविधान के तहत जो न्यायपालिका है, क्या उसका इस प्रकार से अवमान करोगे? इनको केवल मात्र 2,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। हम भरने गए थे, लेकिन चूंकि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस दिन खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे, समय बीत गया था, हम बाद में भर देंगे। सिर्फ 2,000 रुपए जुर्माने के लिए उद्धव ठाकरे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से मामले में जानबूझकर देरी करने की रणनीति अपनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बजट में लिया गया है एक अहम फैसला बताते हैं, जिससे भारत एक चलता फिरता न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के विकास में न्यूक्लियर एनर्जी का अहम रोल होगा और परमाणु ऊर्जा पर सरकार 3 बड़े फैसले ले रही है। विस्तार से बताता हूं आपको। देखिए, पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने पर काम होगा, दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च पर 1,00,000 करोड़ खर्च होंगे और तीसरा परमाणु ऊर्जा से ज्यादा बिजली तैयार करने पर सरकार काम करेगी। सबसे पहले समझिए कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। जैसा कि नाम से ही साफ है, स्मॉल रिएक्टर छोटे होते हैं
और बड़े रिएक्टर के मुकाबले काफी सस्ते भी होते हैं। ये सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए में तैयार हो जाते हैं, जबकि बड़े रिएक्टर के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आसान भाषा में इन्हें फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शिप पर लगाया जाता है। शिप पर बनाए गए छोटे रिएक्टर को समंदर में तैनात करना संभव हो पाता है। फिलहाल रूस के पास दुनिया का एकमात्र तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें एक शिप पर 2 रिएक्टर लगे हैं जो 300 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं। इस शिप पर 70 कर्मचारी हैं और उनकी मदद से 24 घंटे बिजली तैयार होती है। रूस ने पहले ही भारत को टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया, ऑफर दिया, और अब बजट में ऐलान होने के बाद जल्दी ही इस पर काम शुरू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार। यूपी में कौशाम्बी पुलिस ऐसे 23 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। ये आरोपी हैं जिन्हें पेपर लीक करके कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट किया और फिर पैसे लेकर वो पेपर स्टूडेंट्स को बेच दिए। पुलिस ने इस पेपर लीक माफिया की अवैध संपत्ति की भी लिस्ट तैयार की है और जल्दी ही बाबा के बुलडोजर को पेपर लीक माफिया के खिलाफ नया काम मिल सकता है। लाख से अर्जित संपत्ति रखी है अपने पास, उसको हम 14A के अंतर्गत कार्रवाई कर कुर्क कराएंगे। सबसे पहले पेपर लीक माफिया की संपत्ति कुर्क होगी और फिर बुलडोजर का एक्शन शुरू होगा। कौशाम्बी में बाबा के बुलडोजर को अगला टारगेट मिल गया। एक दो नहीं, कुल 23 आरोपियों का नंबर लग गया है। कौशाम्बी की मंझनपुर पुलिस ने पेपर लीक माफिया के गैंग लीडर राजीव नयन मिश्रा सहित 23 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। 23 में से 19 लोगों को पुलिस और एसटीएफ गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। बाकी 4 की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द ही पेपर लीक माफिया के खिलाफ अगले चरण का एक्शन शुरू हो सकता है। 15 फरवरी 2024 को थाना मंझनपुर में एक बैंक का खुलासा किया गया था, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट कराता था। इसका जो सरगना है वो राजीव नयन मिश्रा है। इसका एक इंटर स्टेट गैंग है और इस गैंग के खिलाफ हम लोगों ने आज गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी है। पेपर लीक माफिया का लीडर राजीव नयन उर्फ राहुल कुमार मिश्रा है। बताया जाता है कि राजीव ने खुद भी एक प्रतियोगी परीक्षा दी। परीक्षा से पहले राजीव ने पैसे देकर लीक हुआ पेपर खरीदा, हालांकि इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाया। पर इस नाकामयाबी के बाद वो खुद ही पेपर आउट कराने का मास्टरमाइंड बन गया। सवाल है कि 23 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस इस पेपर लीक माफिया पर क्या कार्रवाई करेगी। तो ये समझने के लिए आपको मुख्यमंत्री योगी का पुराना बयान एक बार फिर से सुनना चाहिए। योगी का ये बयान यूपी के हर माफिया के लिए आखिरी चेतावनी थी। योगी का ये ऑर्डर यूपी की पुलिस अच्छे से समझती है, इसलिए पेपर लीक से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्ति की लिस्ट तैयार हो रही है। इसके काफी मुलजिम जेल में हैं, उनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट में वारंट बनवाएंगे और जो कुछ दो एक मुलजिम बाहर हैं उनको अरेस्ट करेंगे और इनकी संपत्ति का भी ब्यौरा जुटाएंगे और इन्होंने जो अपराध से अर्जित संपत्ति रखी अपने पास उसको हम लोग 14A के अंतर्गत कार्रवाई कर कुर्क कराएंगे। संपत्ति कुर्क होने के बाद बाबा का बुलडोजर एक बार फिर इमारत को ढहाने के लिए आएगा। इससे पहले यूपी में माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे की संपत्तियों को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा चुका है। आज यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चला। मुरादाबाद के भदौरा गांव में करीब 1.8 हेक्टेयर जमीन को 2 बुलडोजरों ने मिलकर अतिक्रमण से मुक्त करा दिया और ऐसी ही तस्वीरें अगले कुछ दिनों में कौशाम्बी से भी आ सकती हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ अक्सर विपक्षी नेताओं के टारगेट पर रहते हैं। बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इन सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है, सरकार क्या डराना चाहती है? अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं, और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। पेपर लीक माफिया पर बुलडोजर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिस दिन कौशाम्बी पुलिस की लिस्ट तैयार होगी उसी दिन बुलडोजर का ट्रेलर सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आगे बढ़ते हैं और अब देशहित में बात करते हैं सिस्टम में घुसे उन लोगों की जो घुसपैठ करके आने वाले आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हैं। वो सिस्टम में रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही चार सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्खास्त किया है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगनाओं के इशारे पर काम करते थे। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के दो कांस्टेबल, एक शिक्षा विभाग का जूनियर असिस्टेंट और एक ग्राम सेवक शामिल है। बर्खास्त किए गए कांस्टेबल इम्तियाज लोन का काम लोगों की सुरक्षा करना था, लेकिन इम्तियाज पर आरोप है कि वह आतंकियों को हथियार और छिपने के लिए ठिकाना मुहैया करवाता था। पुलिसकर्मी मुश्ताक अहमद पीर की जिम्मेदारी लोगों की हिफाजत करने की थी, लेकिन वो नार्को टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बन गया। बाजिल अहमद मीर की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में शिक्षा के लिए काम करना था, लेकिन आरोप है कि बाजिल पीओके से ऑपरेट होने वाले नार्को मॉड्यूल का हिस्सा बन गया। ग्राम सेवक मोहम्मद जैद शाह पर ग्राम सुधार का जिम्मा था, लेकिन आरोप है कि जैद शाह हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। जम्मू कश्मीर प्रशासन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पिछले 5 सालों में 63 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सिस्टम में रहकर आतंकवादियों की मदद करके ऐसे लोग देश को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जिन आतंकियों की ऐसे लोग मदद करते हैं उन्हें खत्म करने के लिए सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ता है, और ऐसे ही एक ऑपरेशन कुपवाड़ा में चल रहा है। आतंकियों की तलाश में सेना के जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। आतंकी दिखे नहीं कि राइफल से निकली गोली आतंकियों का सीना छलनी कर देगी। सेना के जवानों को कुपवाड़ा के घने जंगलों में 2 आतंकियों की तलाश है जिनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में आतंकियों की मूवमेंट का पता चला था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। बुधवार की दोपहर त्रिमुखा के टॉप 1 इलाके में ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी के मारे जाने की खबर आई। मारे गए आतंकी का शव देखा गया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि जंगलों में 2 आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का यह अभियान तेजी से लगातार जारी है। आशंका है कि 3 से 4 आतंकी जो हैं वो इन इलाकों में छुपे हो सकते हैं। इस ऑपरेशन में आपको बता दूं कि एक वीडीजी जवान के जो चाचा थे वो भी यहां पर घायल हुए थे और एक सेना का जवान जो है वो घायल हुआ था, और तभी से आतंकियों की धरपकड़ के लिए तेजी से ये ऑपरेशन जो है लगातार चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा से अलग कल सुबह आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर के पास हुई, जिसमें लांस नायक सुभाष कुमार घायल हो गए जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आज शहीद लांस नायक सुभाष कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। कृष्णा घाटी एलओसी पर शहीद हुए लांस नायक सुभाष चंद्रा को आज रिटलिंग सेरेमनी जो है उनकी की जा रही है, उन्हें आखिरी ट्रिब्यूट जो है वो पेश की जा रही है। और आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सभी पूरा देश जो है वो पूरी तरह से आज नम है। इसके अलावा पठानकोट में भी बीती रात 7 संदिग्ध आतंकियों को देखा गया जो फंगतोली गांव में दिखे। पंजाब पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी का स्केच भी जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। हालांकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 5 दिन के भीतर 5 आतंकी भी मारे गए हैं। आतंकी घटनाओं की एक बड़ी वजह सिस्टम में घुसे वो लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकियों के मददगार बनते हैं। आतंकियों को हथियार से लेकर उनके रहने और खाने तक का इंतजाम करते हैं। रजत बोहरा, जम्मू, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात नेपाल की करते हैं, जहां आज एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाला सौर्य एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में क्रू मेंबर समेत कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 की मौत हो गई जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद प्लेन कैसे क्रैश हुआ आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान में उड़ता विमान बस 3 सेकंड के अंदर उड़ता हुआ ताबूत बन गया। विमान में सवार 19 जिंदा लोग बस 3 सेकंड के अंदर लाश बन गए। नेपाल में सौर्य एयरलाइंस का प्लेन किस तरह से क्रैश हुआ ये उसी का सीसीटीवी फुटेज है। समय है सुबह के 11:13:06 का। प्लेन लहराते हुए नीचे की तरफ आता है और फिर आग का गोला बन जाता है।
प्लेन में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद काफी ऊंचाई तक धुएं का गुब्बार उठा। प्लेन क्रैश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें प्लेन पूरी तरह से खाक हो चुका दिखाई देता है। सौर्य एयरलाइंस के इस प्लेन में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोग एयरलाइंस के स्टाफ के ही थे, जबकि 2 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पायलट मनीष शाक्य घायल है। चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद प्लेन को जोरदार झटका लगा। झटका लगने की वजह से प्लेन में अचानक आग लग गई। प्लेन लहराते हुए तेजी से नीचे की तरफ आते हुए देखा गया। सौर्य एयरलाइंस का जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसका हादसों से पुराना इतिहास रहा है। सौर्य एयरलाइंस के पास ऐसे 3 प्लेन के फ्लिट हैं। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स ने ये इन्फॉर्म किया है कि ये फ्लाइट एक टेस्टिंग में चल रहा था, जिसके इसका मतलब ये है कि वो फ्लाइट में ऑलरेडी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से इसको पोखरा लेके जाया जा रहा था उसका रिपेयर करने के लिए। बट एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये फ्लाइट में ऑलरेडी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो इसको वहाँ पोखरा लेके क्यों जाया जा रहा था। यहाँ काठमांडू में काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन अभी तक सौर्य एयरलाइंस का इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक प्लेन रेगुलर सर्विस के लिए पोखरा जा रहा था, इसीलिए प्लेन में सिर्फ एयरलाइंस के स्टाफ और क्रू मेंबर्स ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये पहली घटना नहीं है। नेपाल में अक्सर प्लेन क्रैश की घटनाएं होती रहती हैं। औसतन साल में कम से कम एक प्लेन हादसा वहां हो जाता है। यहां प्लेन हादसों की 2 मुख्य वजह रही हैं, खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी। देखिए, नेपाल में वर्ष 2010 से अब तक पिछले 14 साल में 12 प्लेन क्रैश हुए हैं। 14 जनवरी 2023 को नेपाल में बड़ा प्लेन हादसा हुआ था। यति एयरलाइंस का प्लेन पोखरा में क्रैश हुआ था। इस हादसे में 68 यात्रियों समेत कुल 72 लोगों की मौत हुई थी। 29 मई 2022 को मस्टैंग जिले में प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में लगातार हो रहे विमान हादसों को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने नेपाली कैरियर्स को अपने एयर स्पेस में बैन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, कल भारत में आम बजट पेश किया गया, जिस पर देश के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई खुश है तो कोई मायूस, लेकिन भारत के बजट को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी हायतोबा मची हुई है। पाकिस्तान के रक्षा बजट को देखकर तो पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। सवाल है कि भारत के आम बजट में पाकिस्तानियों को इतनी दिलचस्पी क्यों है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। भारत में आम बजट पेश क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। बजट पर जितनी चर्चा भारत में नहीं हो रही, उससे कहीं ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग भी हैरान परेशान दिख रहा है। इस बार बजट में कुछ क्षेत्रों में इजाफा किया गया है तो कुछ में कमी की गई है। भारत ने रक्षा बजट के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 4.79% ज्यादा है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो बजट में 90,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो वहीं शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बीते सालों में भारत ने लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ाया है और सैन्य मजबूती पर काम किया है। बजट पर 2 अहम पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है, लेकिन पाकिस्तान में माहौल गजब का बना हुआ है। भारतीय बजट के आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान में गली गली चर्चा हो रही है। बेचारे पाकिस्तानी अपनी सरकार को कोसने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी सरकार कुछ कर ही नहीं रही। देखिए, समझना होगा, पाकिस्तान से भारत के लिए ऐसे बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत में महाराष्ट्र की जीडीपी 439 अरब डॉलर है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी उससे काफी कम, सिर्फ 338 अरब डॉलर ही है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। अंतरिक्ष से एक चाय की नदी नजर आई है। जी हाँ, चाय की नदी। इस तस्वीर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्लिक किया है। इसे देखकर आपको भी लगेगा कि मानो कोई चाय की नदी दिखी है, समंदर में ये समा रही है। असल में ये तस्वीर समंदर में मिल रही एक नदी की है। दलदल और जंगलों से होकर आ रही इस नदी का रंग मटमैला है, जबकि समंदर गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा है, इसीलिए चाय की नदी का आभास हो रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर अमेरिका के साउथ कैरोलिना में मौजूद एक खाड़ी की है, जिसे साल 2020 में क्लिक किया गया था।
चले इसी के साथ देशहित में आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे देशहित में फिर जुड़िएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Z News.